यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। तीसवें वर्ष के चौथे महीने के पांचवें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर खड़ा था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के पांचवें वर्ष के चौथे महीने के पांचवें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तीर पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच में झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। फिर उसके बीच से चार जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हरेक के चार चार मुख और चार चार पंख थे और उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप पुरुष का सा था और उनके चारों के दहिनी ओर के मुख सिंह के से और बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उका पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे थे और उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के दो दो पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और दो दो पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था और वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। और जीवधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए पलितों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश दे रही थी और उस आग से बिजली निकलती थी और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। तब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपनी चारों अलंगों की ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। और जब जीवधारी चलते थे तब पहिये भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिये भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिये जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में ही थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिये भी उनके साथ उठते थे क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाशमंडल सा कुछ था जो बर्फ की नाई भयानक रीति से चमकता था और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था और आकाशमंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैलते थे और हरेक जीवधारी के दो दो और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल व सर्वशक्तिमान की वाणी व सेना के हलचल किसी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे, फिर
उनके सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे, और जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षों के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है।